तो दोस्तों 14 फरवरी 2019 का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन बना जिसे भारतीय इतिहास में एक ब्लैक डे, एक काले दिन के रूप में याद रखा जाता है। उस दिन एक ऐसी घटना हुई जो हमारे दिल पर गहरा निशान छोड़ गई, जो था पुलवामा अटैक। ये एक ऐसा अटैक था जिसमें 40 से ज्यादा CRPF जवानों की जान गई थी और पूरे भारत के दिल में एक दुख था, पर उससे भी ज्यादा एक गुस्सा था पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले उन आतंकवादियों पर जो भारत के वीर जवानों को छुपकर मारते हैं, और इसीलिए सभी को एक बदला चाहिए था। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि हमारे जवानों और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले को हम जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये कहानी है पुलवामा के अटैक के बाद भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में, जिस मिशन को देखकर पूरी की पूरी दुनिया दंग रह गई थी और उन्होंने एक बात समझ ली थी कि भारत के ऊपर अटैक करने वालों का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही हम पुलवामा अटैक के बारे में बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में, और हम अभिनंदन वर्धमान के सफर के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया वापस कैसे आए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट ने एक बार फिर से हमारे देश को हिला कर रख दिया। ये अटैक एक कॉन्वॉय पे हुआ था जिसमें CRPF के 78 व्हीकल्स पर 2500 से ज्यादा जवान जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। जब ये कॉन्वॉय पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके से गुजर रहा था तब उन पर एक सुसाइड अटैक का हमला किया गया। ये सुसाइड बॉम्बिंग जैशे मोहम्मद, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से की गई थी। उस समय हमवीज के कॉन्वॉय को अटैक किया गया था जिसमें एक एक्सप्लोजिव लगी हुई कार को CRPF बस के सामने लाया गया और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया था। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 100 kg से ज्यादा RDX का इस्तेमाल किया गया था जो इस अटैक को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। इस हमले के बाद CRPF की एक बस पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी और उसी हमले में 40 से ज्यादा CRPF जवान शहीद हो गए। इन सोल्जर्स का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर तो हो गया, लेकिन ये अटैक इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था और एक सिग्नल था कि हमें अब इसका जवाब देना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अटैक के पीछे का मोटिव क्या था, मोटिवेशन क्या था। पुलवामा अटैक का मकसद था इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करना और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिक मनूवर भी था। उनका मकसद था पूरी दुनिया को ये दिखाना कि इंडिया बहुत ही डिस्टेबिलाइज है, खासकर कश्मीर के मामले में। हम उनके ऊपर चाहे कोई भी हमला करें पर वो हमें कभी भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए अब वक्त आ गया था कि इन आतंकवादियों को इसका जवाब मिलना जरूरी था, क्योंकि लगातार 2019 में इन आतंकवादी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और क्योंकि इलेक्शन भी पास आ रहे हैं तो सरकार के लिए एक कड़ा जवाब देना बहुत जरूरी था। और इन आतंकवादियों का मेन मकसद ये था कि ऐसे कुछ और भी अटैक करके हम इस सरकार को गिरा सके जिससे कि दोबारा भारत कमजोर हो सके। और दोस्तों 2016 के बाद जो कि उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद 2.5 साल बाद ये बहुत ही बड़ा अटैक था जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। पुलवामा के अटैक के बाद इंडिया के पास एक चॉइस थी, या तो चुपचाप रह जाए जैसे हमेशा हर अटैक के बाद रहता है, या फिर इसका एक ऐसा जवाब दे कि आतंकवादी हैरान के हैरान रह जाएं। और भारत ने जो किया वो एक ऐसा स्टेप था जिसके बारे में दुनिया ने कभी भी नहीं सोचा था। 26 फरवरी 2019 को देर रात भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर एक बहुत ही खतरनाक एयर स्ट्राइक की, और ये कोई नॉर्मल एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि पूरी दुनिया को कि हमारे देश के ऊपर किसी ने आग उठा के देखी भी तो उसको एक ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आंखें ही नहीं बचेंगी। इंडियन एयरफोर्स ने 12 Mirage 2000 जेट्स का इस्तेमाल किया और 1000 किलो से ज्यादा बॉम्ब्स को डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पे गिराया। ये स्ट्राइक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट एरिया में की गई थी। बालाकोट एरिया में जैश ए मोहम्मद का एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट कैंप था जहां पे उनकी ट्रेनिंग की जाती थी। इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान की टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को गहरा नुकसान पहुंचाया था। इस अटैक में क्या खास था, ये एयर स्ट्राइक दुनिया के लिए एक मैसेज था कि इंडिया किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक पावर प्ले भी था जिसमें इंडिया ने अपने देश की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी और ये नहीं सोचा कि इस एयर स्ट्राइक के बाद कोई नुकसान हो। सबसे पहले हमने इस चीज का बदला लिया जो पुलवामा में अटैक किया गया था। जैसे ही इंडिया ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो डिनाई कर दिया, ये कहा कि हमारे ऊपर तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ है, ना हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ है। लेकिन ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा शॉक था और बाद में पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया था कि उनके ट्रेनिंग कैंप में बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। इस एयर स्ट्राइक का नाम था ऑपरेशन बंदर, जिसने पूरे पाकिस्तानी टेररिस्ट को हिला कर रख दिया था। खास तौर पर जैश ए मोहम्मद पूरी तरह से हिली हुई थी, वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि भारत ने ऐसा कैसे किया और जब किया कैसे। पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला था कि कोई फेटलिटीज नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, पर दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इसके अपोजिट रिपोर्ट्स थे, उनके पास अलग अलग नंबर्स थे। कोई बोला था 500 मरे हैं, कोई बोला था 1000 आतंकवादी मरे हैं। इस स्ट्राइक ने ये साफ कर दिया था कि भारत किसी भी तरह से आतंकवाद की जंग में किसी भी आम आदमी को नहीं फंसाना चाहता, और इसी वजह से इस हमले के दौरान भारत ने प्रिसाइज लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया था। और इस अटैक की सबसे खास बात ये थी कि इस पूरे हमले में एक भी आम आदमी की जान नहीं गई थी, जो कि भारत के एटीट्यूड को साफ साफ दिखाता है कि हम जंग तो जरूर चाहते हैं लेकिन वो जंग सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ होगी, ना कि पाकिस्तान की आम जनता
जनता के खिलाफ। इंडियन पब्लिक में इस एयर स्ट्राइक को लेकर काफी पॉजिटिविटी थी। हर कोई अपने जवानों और देश की सिक्योरिटी के लिए प्राउड फील कर रहा था। ये स्ट्राइक एक लैंडमार्क मूवमेंट बना और भारत ने अपने मिलिट्री पावर का एहसास दुनिया को करवाया। जहां पुलवामा में हुए हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, तो वहीं इन हमलों के सिर्फ 12 दिन बाद ही एयर स्ट्राइक में 300 से लेकर 700 लोगों तक की मौत हुई थी, जो कि सभी के सभी आतंकवादी एक कुत्ते की मौत मारे गए थे। और पाकिस्तान की औकात दुनिया ने देख ली थी कि जो देश अपने आप को दुनिया का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री सुपर पावर मानता है, उनके पास ऐसे रेडार भी नहीं थे जो भारत के 12 सबसे तेज प्लेन्स को डिटेक्ट भी कर पाए, और इसने पाकिस्तानी मिलिट्री के रुतबे को चकनाचूर करके रख दिया। जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में कुछ एयरक्राफ्ट्स को भेजा था, और इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो एक वेटरन पायलट थे, उनकी प्लेन को पाकिस्तान ने शूट डाउन किया था। सोचिए, एक MiG-29 प्लेन जिसकी टेक्नोलॉजी आज से 60 साल पुरानी है, उन्होंने उस प्लेन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के दो बहुत ही एडवांस प्लेन्स को क्रैश कर दिया था, पर वो भी एंड में जाके शूट आउट हो गए थे, इसी वजह से वो पाकिस्तान टेरिटरी में गिर गए थे। ये एक ऐसा मूवमेंट था जब पूरा देश हैरान था। 1971 की जंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि POW पकड़े गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें कैप्चर कर लिया और इसके बाद उनकी कस्टडी में लेकर उन्हें प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया गया था। उनसे बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें वो देश की सिक्योरिटी को लेकर ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर वो बता देते तो हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। लेकिन अभिनंदन ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे सोल्जर्स अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और उन्होंने देश की इज्जत को डाउन नहीं होने दिया। अभिनंदन ने अपने इंटरव्यूशन के दौरान जो कुछ भी कहा, उसमें उन्होंने अपने देश के लिए एक बार भी कोई गलत चीज नहीं कही, ना ही ऐसा कुछ कहा जो हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाले। उन्होंने अपने देश की इज्जत को सबसे पहले रखा, और पाकिस्तान जितनी बार भी उनसे कोई सवाल पूछता, वो सिर्फ एक ही बात बोलते, आई एम विंग कमांडर अभिनंदन एंड आई एम एन इंडियन सिटीजन। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने देश के सीक्रेट्स और अपने देश को लेकर कोई भी गलत चीज नहीं कहूंगा। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, और पूरा देश इसी सोच में पड़ा था कि आखिरकार उन्हें कब रिलीज किया जाएगा। और जब विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिलीज किया, ये एक ऐसा मूवमेंट बना था जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद अभिनंदन को कहा था कि हम उन्हें वाघा बॉर्डर पर छोड़ देंगे, और ये एक तरह से उनकी तरफ से था कि इंडिया वॉर पे ना जाए। अभिनंदन के घर वापस आना सिर्फ एक फिजिकल विक्ट्री नहीं थी, ये भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी की जीत थी। उस समय अभिनंदन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट ने उन्हें और भी बड़ा एक हीरो बना दिया। भारत में उनके लिए एक हीरो जैसी वेव चली थी, जो कि जो काम उन्होंने किया था उस हिसाब से ठीक भी है। अभिनंदन की घर वापसी इसी बात का सबूत है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान किस सोच में था, और अगर अभिनंदन को वापस नहीं किया जाता तो भारत एक वॉर पर जाने के लिए भी तैयार था। इस कैप्चर के बाद इंडिया ने अपने मिलिट्री को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था, और अगर 1 से 1.5 हफ्ते में ये फैसला नहीं लिया जाता पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया जाता हर तरफ से। पुलवामा अटैक के बाद जो कुछ भी हुआ, चाहे वो अभिनंदन का कैप्चर हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो भारत की मिलिट्री के लिए एक माइलस्टोन था। इंडिया ने ना सिर्फ अपने जवानों की जान का बदला लिया, उनकी मौत का बदला लिया, बल्कि ये भी दिखाया कि किसी भी देश को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और हम पर हमला करने वाले को जवाब बराबर से मिलेगा। ये इंसिडेंट हमारे देश को सिर्फ एक मिलिट्री पावर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक यूनाइटेड नेशन के रूप में भी दिखाता है। भारत ने ये साबित किया कि हम खुद अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, और हम अपने सिटीजंस और जवान की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो ऊपर की साइड हो या फिर नीचे की साइड हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पुलवामा अटैक की, इंडिया के रिटेलिएशन की, और अभिनंदन वर्धमान के इनक्रेडिबल हिम्मत के बारे में, उनके जोश के बारे में। आप इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतवासी को भारतीय सेना और वायुसेना के हिम्मत और शक्ति के बारे में पता चल सके। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।